तुम जिससे प्यार करती हो वो कितने साल का है बोले वो पंद्रह साल का है मैंने कहा तुम चौदह साल की हो वो पंद्रह साल का है तुम प्यार करती हो क्या प्यार करती हो क्या करती हो बोले वो हमें छूता है हम उसे छूते हैं क्या है जानते हैं ये जो एज है ये जो आयु है इस एज में जब आप पहुंचते हैं ना तो आपको कोई टच करे ना तो एक अलग प्रकार का शरीर एक अलग रिएक्ट करता है, होता है, है ना तो वो बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा ये सब कैसे करना है कब करना है इसकी क्या एज होनी चाहिए इसीलिए उसको बताओ कि आप विवाह के लिए तैयार हो जाइए ये सब विवाह के बाद के विषय हैं अभी आप अपने को केवल पढ़ाई पे समर्पित करो केवल मन पढ़ाई पे लगाओ ये सब नहीं इसलिए कहते हैं ना कि लड़कों को लड़कियों को इसलिए लड़कों की दोस्त लड़के ही हों और लड़कियों की दोस्त लड़की ही हों लेकिन फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर बिल्कुल गलत है है? क्यों इसी से तो पैतीस पैतीस टुकड़े हो रहे हैं मतलब क्या है ये आप पत्रकार हैं आप जानते जी, हैं जी देखिए नहीं मैं आपसे समझना चाहती हूँ देखिए समझने चाहते हैं तो समझिए देखिए होता क्या है कि आज के युग में क्या है लड़का लड़की साथ में रहने लगते हैं जी साथ में रहते तो हैं लेकिन लड़की जो होती है ना वो सच्ची होती है लड़कियों का नेचर क्या होता है वो जिससे प्यार करती है ना वो समर्पण कर देती है बिल्कुल मैं आपसे प्यार करती हूँ आपके लिए मेरा तन मन धन जीवन सर्वस्व अर्पण है जबकि कुछ लड़कों की ऐसी नियत नहीं होती वो क्या करते हैं आपका शोषण करते रहते हैं जब तक आपके साथ मन हुआ रहे फिर वो दूसरी ले आएंगे फिर वो तीसरी ले आएंगे लेकिन आपने तो एक में ही मन लगा रखा था उस लड़के ने यही तो कहा था कि हमसे विवाह करो आप हमारे संग जब लिबिन में रहे अब विवाह करो जब विवाह का दबाव बनाया और उस लड़के ने विवाह नहीं किया तो लड़की ने बोला मैं सबको बताऊंगी तो उसने उसके टुकड़े कर दिए घटना आपकी टीवी पर तो चली थी हाँ, लेकिन लेकिन टुकड़े कर दिए थे इसका फिर बहुत अलग भी एक जाकर के जुड़ता है किस दृष्टिकोण से आप देखना चाहते हैं वो आपका नजरिया पर मेरी दृष्टि तो कहती है कि ब्रह्मचर्य नाम की कोई चीज है हमारे यहां चार आश्रम है ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ विवाह के पहले तक ब्रह्मचारी रहिए आपने एक छोटा सा विज्ञान में आपको बताऊं आज आपने देखा होगा मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ उत्तर दीजिएगा आज के पचास साल पहले जो बच्चे पैदा होते थे जी। और आज जो बच्चे पैदा होते हैं आप बताइए कि कौन से बच्चे आज के या पचास साल पहले के मजबूत कौन बच्चे थे स्ट्रॉन्ग कौन था आपसे सवाल है वर्ड सेक्स इज वेरी बात नहीं करते हैं करनी चाहिए। खुल के करनी चाहिए करनी चाहिए बात बिल्कुल जागरूक करें क्या होता है छोटे बच्चे हैं जैसे पंद्रह साल का चौदह साल का लड़का एक बार क्या हुआ माँ मेरे पास आई उसकी चौदह साल की लड़की थी माँ बोली महाराज जी मेरी लड़की को ना प्यार हो गया है समझाओ मैंने कहा बेटा तुम जिससे प्यार करती हो वो कितने साल का है बोले वो पंद्रह साल का है मैंने कहा तुम चौदह साल की हो वो पंद्रह साल का है तुम प्यार करती हो क्या प्यार करती हो क्या करती हो बोले वो हमें छूता है हम उसे छूते हैं क्या है जानते हैं ये जो एज है ये जो आयु है इस एज में जब आप पहुंचते हैं ना तो आपको कोई टच करे ना तो एक अलग प्रकार का शरीर एक अलग रिएक्ट करता है, होता है, है ना तो वो बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा ये सब कैसे करना है कब करना है इसकी क्या एज होनी चाहिए इसीलिए उसको बताओ कि आप विवाह के लिए तैयार हो जाइए ये सब विवाह के बाद के विषय हैं अभी आप अपने को केवल पढ़ाई पे समर्पित करो केवल मन पढ़ाई पे लगाओ ये सब नहीं इसलिए कहते हैं ना कि लड़कों को लड़कियों को इसलिए लड़कों की दोस्त लड़के ही हों और लड़कियों की दोस्त लड़की ही हों लेकिन फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर बिल्कुल गलत है क्यों, बाबा? क्यों इसी से तो पैंतीस पैंतीस टुकड़े हो रहे हैं मतलब क्या है ये आप पत्रकार हैं आप जानते जी, हैं जी देखिए नहीं मैं आपसे समझना चाहती हूँ देखिए समझने चाहते हैं तो समझिए देखिए होता क्या है कि आज के युग में क्या है लड़का लड़की साथ में रहने लगते हैं जी साथ में रहते तो हैं लेकिन लड़की जो होती है ना वो सच्ची होती है लड़कियों का नेचर क्या होता है वो जिससे प्यार करती है ना वो समर्पण कर देती है बिल्कुल मैं आपसे प्यार करती हूँ आपके लिए मेरा तन मन धन जीवन सर्वस्व अर्पण है जबकि कुछ लड़कों की ऐसी नियत नहीं होती वो क्या करते हैं आपका शोषण करते रहते हैं जब तक आपके साथ मन हुआ रहे फिर वो दूसरी ले आएंगे फिर वो तीसरी ले आएंगे लेकिन आपने तो एक में ही मन लगा रखा था उस लड़के ने यही तो कहा था कि हमसे विवाह करो आप हमारे संग जब लिबिन में रहे अब विवाह करो जब विवाह का दबाव बनाया और उस लड़के ने विवाह नहीं किया तो लड़की ने बोला मैं सबको बताऊंगी तो उसने उसके टुकड़े कर दिए घटना आपकी टीवी पर तो चली थी हाँ, लेकिन टुकड़े कर दिए थे लेकिन इसका फिर बहुत अलग भी एक जुड़ता है किस दृष्टिकोण से आप देखना चाहते हैं वो आपका नजरिया पर मेरी दृष्टि तो कहती है कि ब्रह्मचर्य नाम की कोई चीज है हमारे यहां चार आश्रम है ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्त संन्यास विवाह के पहले तक ब्रह्मचारी रही है आपने एक छोटा सा विज्ञान में आपको बताऊं आज आपने देखा होगा मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं उत्तर दीजिएगा आज के पचास साल पहले जो बच्चे पैदा होते थे जी। और आज जो बच्चे पैदा होते हैं आप बताइए कि कौन से बच्चे आज के या पचास साल पहले के मजबूत कौन बच्चे थे स्ट्रोंग कौन था आपसे सवाल है